जिनके भी वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं वो सब अभी एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि मेरा ये वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया, मैंने तो सब चीज़ की प्रिपरेशन की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो ये सब सोचना एकदम नॉर्मल है बिकॉज़ वी आर ह्यूमंस, राइट। बट अब अगर आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट में जा रहे हो या कितने भी अटेम्प्ट आपने लगा लिए हैं रिजेक्ट हुए हैं, बट नाउ यू आर अगेन गोइंग फॉर अ न्यू इंटरव्यू, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू, सो कीप वॉचिंग। अब देखो सबके वीज़ाज रिजेक्ट होने के अपने अपने कारण होते हैं, ठीक है। अब आपका जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है सो द इंटरव्यूअर द वीज़ा ऑफिसर वो आपको तभी बोल देता है दैट योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड और डायरेक्टली योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड। नाउ वहाँ पे वो आपको एक और चीज़ बोल देता है ना, वो आपको एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोलेगा ना कि तुमने यहाँ पे ये बोला इसलिए मैंने तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, बट वो आपको ऐसे ऐसे केस दे देंगे विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ लेट मी गिव यू, सोचो अगर आप एक F1 स्टूडेंट हो ना, लाइक आप F1 वीज़ा पे जा रहे हो, सो मे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो F1 स्टूडेंट्स को मिलती है दैट इज़ द 214B रिजेक्शन। नाउ वट इज़ दिस रिजेक्शन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है, दिस रिजेक्शन मेनली मीन्स दैट यू हैव फेल्ड टू शो स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शन टू इंडिया, मतलब आपने इंडिया के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखाई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंडिया से कितना प्यार है, नोप। इसका मतलब है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ इन USA, मतलब आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आप सेकेंड मास्टर्स के लिए जा रहे हो, वट एवर, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या आप इंडिया वापस आ जाओगे? एंड वेन यू फेल टू शो दिस कनेक्शन कि येस मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा, दैट्स वेन यू गेट द 214B रिजेक्शन। एंड मेनली मैं 90% बोल रही हूँ, 90% स्टूडेंट्स को यही रिजेक्शन मिलती है, ओके। एंड हियर इज द बेनिफिट यू हैव। नाउ ऑब्वियसली वीज़ा रिजेक्ट हो गया, दैट्स नॉट द बेनिफिट, हो गया सो हो गया, अब उसको सोच सोच के अपना माथा नहीं फाड़ना है, राइट। बट सिंस अब आपको पता है द मेन रीज़न वाई योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड, नाउ आप उस पॉइंट के ऊपर ही वर्क करोगे। सो अगर आपको 214B रिजेक्शन मिला है सो अब आप उस एक क्राइटेरिया को पकड़ के अपने सारे आंसर्स को वैसे प्रिपेयर करोगे, ओके। आप जब अपना सेकेंड अटेम्प्ट देने जाओगे द फर्स्ट क्वेश्चन और द ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर आपको पूछेगा एंड डेफिनेटली पूछेगा इज़ वॉट वॉज द रीज़न फॉर योर रिजेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब आपके फर्स्ट इंटरव्यू में वॉट वॉज द रीज़न कि आपका वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ओके। नाउ द फर्स्ट रीज़न इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं, आपके पास गलत डॉक्यूमेंट्स हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक, मतलब डॉक्यूमेंट्स का सही ना होना, मतलब फेक होना। अब मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैम मेरे एजेंट के थ्रू मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे एंड वीज़ा ऑफिसर ने मुंह पे बोल दिया दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर फेक। सी देखो हमारे जो बिलवेड एजेंट्स होते हैं ना, हमारे जो प्यारे एजेंट्स होते हैं ना, उनका काम बस पैसे ऐंठना होता है आप लोगों से, ठीक है। आई विल टेल यू, बिना मतलब के स्टूपिड एजेंट्स को मत हायर करो। मैंने देखा है लाखों में लोग उनको पे करते हैं फॉर अ वीज़ा इंटरव्यू, लाखों में। आप बोलोगे लाख कौन देता है, मैंने देखे हैं, मुझे लोग मेल करते हैं, इंस्टाग्राम में DM करते हैं, मैं पढ़ के मेरा माथा से पकड़ लेती हूँ कि लाइक सीरियसली एक वीज़ा इंटरव्यू के लिए आप लाख्स, द हाईएस्ट मैंने अभी तक सुना है वो 6,50,000। मेरे को था कि मेरे एक सेमेस्टर की फ़ीस है ये। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज स्कैम्स, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा सोचोगे देन सोचने वाली बात ये है कि वो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पे जो वीज़ा आपका इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वो बुद्धू हैं? उनमें ये नहीं है क्या कि बोलेंगे अच्छा जी आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं चलो जी USA जाओ? नो, उनको एक एक चीज़ की खबर होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रियल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स फेक है। एजेंट्स का मेन काम होता है बस आपसे पैसे ऐंठना, ठीक है, बिकॉज बच्चे, हम लोग बच्चे होते हैं, राइट। हम लोग डरे होते हैं कि अरे USA जाना है, पढ़ना है, लाइफ बनानी है, फ्यूचर बनाना है, ठीक है। एंड वो इसी डर का यूज़ करके पैसे कमाते हैं। यहाँ से काम लो, ठीक है, बुद्धि से काम लो, क्योंकि जितना आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा आप फिर उनके पास जाओगे, वो फिर आपको कुछ बोलेंगे, आपको होप देंगे, आप फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे, फिर रिजेक्ट हुआ, ये साइकिल हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा। 4-5 रिजेक्शंस हो जाएंगे आपकी, बट आपका वीज़ा क्लियर नहीं होगा बिकॉज आपको कभी किसी ने राइट गाइड नहीं किया। आई एम हियर टू राइट गाइड यू, है ना, मेरी वीडियोस देखा करो। नहीं देखो सीरियसली मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू क्लियर अ USF1 वीज़ा इंटरव्यू। ये जो डर होता है ना, जो लोग आपके मन में डालते हैं, मैंने बोला ना ऐसे लोगों से दूर रहो।
मैं बोल रही हूँ, अगर आपका 1 मंथ है वीज़ा को, अगर आपका 10 डेज है ना वीज़ा को, किसी से बात मत करो, किसी से टिप्स लेने मत जाओ, क्योंकि जो यूएसए में है ना अभी, वो भी आपको बोलेगा, बिकॉज नो वन ट्रस्ट नो बडी, किसी से हेल्प मत लो, डू वॉट यू फील इज़ राइट, है ना। यहाँ पे कोई अपना नहीं है, कलयुग चल रहा है, ठीक है। किसी से हेल्प मत लो, खुद की हेल्प लो, अपने भगवान की हेल्प लो। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर आपको पूछेगा इज़ देर एनी चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस सिंस योर लास्ट इंटरव्यू। मतलब आपका जो इंटरव्यू हो चुका है ना, आपको उसमें रिजेक्शन मिली है, उसके बाद से आपने कौन कौन से चेंजेस किए हैं इन योर डॉक्यूमेंट्स लाइक DS-160 और एनीथिंग। यहाँ पे जब आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हो, अपना कोर्स चेंज कर लेते हो ना, देन और क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इसीलिए ये दो गलतियाँ नहीं करनी है। 80% स्टूडेंट्स यही करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे। देखो, आप जब अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लोगे ना, उसको बस यही एक चीज़ लगेगी कि पहले इसने ये यूनिवर्सिटी में जाना था, अब सिंस रिजेक्ट हो गया तो इसने दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली। मतलब किसी भी तरह मुझे बस यूएसए में एंटर करवा दे भाई, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है। दैट्स वाई ऑलवेज स्टिक टू वॉट यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, है ना। आप सोचो, आप सोचो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे थे, बट अब आपने अपना कोर्स चेंज करके बैचलर्स बोल रहे मैनेजमेंट में आप आ गए, बिजनेस मैनेजमेंट में। ये चीज़ें गलत हैं। आप अपना कोर्स चेंज कर दे रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर दे रहे हो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आपने उसके ऊपर ही पूरी गंद फैला दी। एंड वो वीज़ा ऑफिसर का पूरा ध्यान अब उस एक पॉइंट पे चला गया कि इसने क्यों अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर दी। सो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, नाउ होम टाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब 214B रिजेक्शन आपको मिलता है, ये एक ही पॉइंट से मिलता है कि जब आप फेल हो जाते हो अपना होम कनेक्शंस दिखाने के लिए। सो आपको अपने हर एक आंसर में आपको एक ऐसा पर्सनल पॉइंट रखना है विच विल शो योर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू इंडिया। कैसे फ्यूचर में अपनी एकेडमिक्स, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यू विल कम बैक टू इंडिया, आपके इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है, आपको इंडिया में वो करियर स्टार्ट करना, आप कैसे करियर स्टार्ट करोगे, यही सब चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस। बट जब आप फेल हो जाते हो ना ये दिखाने के लिए योर कनेक्शन टू इंडिया, दैट्स वाई योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड। एंड जब आपका सेकेंड अटैम्प्ट होगा, आपको इसी एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पता है ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई सेकेंड अटैम्प्ट में आपको यही सब की वो करनी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट है जिसकी वजह से मेन वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब आपके फाइनेंसेस सब सही नहीं होते हैं। यूएसए में अभी रिसेशन चल रहा है, देर आर नो जॉब्स, आई नो इट, एक साल हो गया मुझे यूएसए में ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे कनाडा में रिसेशन चल रहा था, कैसे बुरा हाल था ना, अभी अमेरिका में पिछले एक साल से रिसेशन चल रहा है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम तो है ही नहीं, आपकी मिनिमम वेज इतनी कम है, सब चीज़ों के प्राइजेस, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। दैट्स वाई जब आप अपने फाइनेंशियल अमाउंट्स ठीक से नहीं दिखाते हो ना, मतलब आपके एस्टिमेटेड फंड्स, तो इंटरव्यू को लग सकते हैं कि इसके पास पैसे नहीं है। हाउ विल ही सस्टेन हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल इन अ कंट्री जहाँ पे पहले से रिसेशन चल रहा है। दैट्स ऑल्सो मेन रीजन वाई वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड। ओके, सो देखो इसी रिसेशन की वजह से, दिस रिसेशन इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सो मेक श्योर कि आप एनफ पैसे दिखा रहे हो, दैट येस आई हैव मनी टू सपोर्ट माई सेल्फ, आई हैव मनी टू सपोर्ट माई एजुकेशन इन USA, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपने पैसे भी दिखाना। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट, और जितने भी आपके अटेम्प्ट्स लग चुके हैं ना, आप अगर फिर से एक नए इंटरव्यू में जा रहे हो। ओके, दीज वर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स आई शेयर्ड विथ यू, ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड एंड हाउ टू आंसर देम। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।